Hello students, I am Divya Kashyap from Success CD's Education. I am here as a science expert and today we are going to start the topic from class 10th science. Right, so let's start. The topic we are taking today is excretion, that is fourth part of unit life process. जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत तरह के वेस्ट होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरह के वेस्ट प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो वेस्ट है इनको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। उसका रीजन है, कोई भी चीज जो आपकी बॉडी में यूजफुल नहीं है, वेस्ट है, अगर वो काफी देर के लिए आपकी बॉडी के अंदर रहेगी तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो भी चीजें वेस्ट होती है उनको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब वेस्ट भी अलग अलग तरह के होते हैं बॉडी में, जैसे कुछ वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड भी हो सकता है, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड फूड तो आपको पता है कि हमारा जो प्रोसेस है इजेशन का, जो कि हमने न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ा था, उसके थ्रू रिमूव हो जाता है। ऐसे ही स्वेट भी एक तरह का वेस्ट है, आपको पता है, और स्वेटिंग हर किसी को होती है, तो कुछ सॉल्ट्स आप कह सकते हो, कुछ जो आपकी बॉडी का वेस्ट है वो स्वेट के थ्रू भी चला जाता है। ऐसे ही कुछ वेस्ट हमारी बॉडी में होता है जिसको हम बुलाते हैं नाइट्रोजेनस वेस्ट, मतलब नाइट्रोजन से बनी हुई चीजें होती है, मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर, ऐसा भी एक वेस्ट हमारी बॉडी में होता है, इसको भी रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। और इसको हम कैसे रिमूव करते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस से। जैसे कि आप मैन को देख रहे हो, यहाँ एक फिगर ली गई है जो कि एक मैन पता लग रहा है आपको, तो मैन के अंदर ये सारी तरह के वेस्ट होते हैं, ऐसे ही नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, तो इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एनी वेस्ट इफ विल रिटेन इन अ बॉडी इज गोइंग टू हार्म अस। ऐसे ही बर्ड्स हैं, बर्ड्स के अंदर भी अलग अलग तरह के वेस्ट होते हैं, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट एक वेस्ट है, उसको एक्सक्रीशन की तरह रिमूव करना पड़ता है। सेम फॉर द केस ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में भी ऐसी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जिनको एक्सक्रीशन के प्रोसेस से रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं इस एक्सक्रीशन प्रोसेस में कि कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट है और कैसे हम इनको रिमूव कर पाते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। Topics to be covered in this chapter are introduction, types of excretory products, excretory system of man, renal failure, osmoregulation and excretion in plants. So these topics we are going to cover in this chapter. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कोई बहुत ज्यादा एफर्ट आपको नहीं लगाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो सबसे पहली बात, अगर कोई आपसे पूछे एक्सक्रीशन क्या होता है, तो जैसे कि अभी हमने डिसाइड किया था, जैसे कि हमने डिफाइन किया था, इट इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजेनस वेस्ट। पर्टिकुलरली कौन सा वेस्ट रिमूव होता है इसमें, नाइट्रोजेनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। चाहे ये वेस्ट हम एक मैन की बॉडी की बात करें, चाहे इंसेक्ट्स की बात करें, चाहे बर्ड्स की, चाहे कोई और एनिमल की, तो इनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल है उसको हम क्या बुलाते हैं, एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि वेस्ट की तरह हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं और हमें उन्हें रिमूव करना पड़ता है। हर स्पीशीज के अंदर आप कह सकते हो सेम तरह का नाइट्रोजनस कंपाउंड नहीं होता जो वेस्ट की तरह एक्ट करता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लो मैन का, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, मैन के अंदर जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो कौन सा है, यूरिया। मतलब जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर होता है वो क्या होता है, यूरिया। तो जिन ऑर्गेनिज्म में यूरिया एक मेन, एक प्राइम नाइट्रोजनस वेस्ट की तरह एक्ट करता है, प्रेजेंट होता है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम एक आप कह सकते हो स्पेसिफिक वर्ड से बुलाते हैं, दे आर यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, सो दैट मींस द ऑर्गेनिजम्स हुज नाइट्रोजनस वेस्ट, द प्राइम नाइट्रोजनस वेस्ट इज यूरिया। तो मैन के अंदर
जो हमारी स्पीशीज है उसके अंदर यूरिया मेन नाइट्रोजन बेस की तरह एक्ट करता है और हम यूरिकोटेलिक बुलाए जाते हैं। ऐसे ही जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो बर्ड्स को, ठीक है, तो बर्ड्स के अंदर जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो क्या होता है, यूरिक एसिड, ठीक है, ये भी एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है। तो जो प्राइम वेस्ट इनकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो होता है यूरिक एसिड। तो जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को मेन आप कह सकते हो नाइट्रोजनस वेस्ट की तरह एक्सक्रीट करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम डिफाइन करते हैं एज यूरिको टेलिक। तो इसमें सारी कैटेगरी के बर्ड्स आ सकते हैं, जैसे एक आपको यह स्पैरो दिख रही है तो क्रो, कोई भी तरह का बर्ड आप कह सकते हो, दे ऑल आर यूरिकोटेलिक। ऐसे ही एक और तरह का नाइट्रोजन वेस्ट है जो हमें इंसेक्ट्स के अंदर दिखता है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो डिफरेंट तरह के इंसेक्ट्स है, तो इनमें जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है प्राइम नाइट्रोजन वेस्ट वो क्या होता है, अमोनिया। तो इनके यूरिन के अंदर जो मेन एक्सक्रीट होता है नाइट्रोजन स्पेस दैट इज अमोनिया एंड दे आर टर्म एज अमोनोटेलिक। तो तीन तरह के वेस्ट हमने प्राइम पढ़े, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, और उसी तरीके से हम इनको यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमोनोटेलिक बुलाते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल आप समझ गए कि कौन कौन से नाइट्रोजन वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक से, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन, कि मैन के अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करने के लिए सिस्टम प्रेजेंट है वो कौन सा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये किससे बना है और कैसे ये फंक्शन करता है, राइट। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो ये हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो इसमें क्या देख रहे हो आप, वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, बीन शेप्ड किडनीज प्रेजेंट होती है। किडनीज से ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको जो जा रहा है नीचे, दैट इज कॉल्ड एज यूरेटर। थोड़ा सा लेबलिंग को हम साथ देखते हैं, दोबारा देखिए, ये हमारे पास है किडनीज, ये हमारी लेफ्ट किडनी है और ये हमारी राइट किडनी है, राइट। इससे जो टिब्यूल निकल रहा है इसको हमने बुलाया है राइट यूरेटर। तो जो राइट किडनी से टिब्यूल निकल रहा है दैट इज राइट यूरेटर, जो लेफ्ट किडनी से टिब्यूल निकल रहा है दैट इज लेफ्ट यूरेटर। ये जो दोनों यूरेटर्स हैं, दोनों टिब्यूल्स हैं, ये देखिए एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन हो रही है जिसको हम क्या बुलाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। ये ब्लैडर की जो ओपनिंग है एक स्पेशल तरह की मसल से गार्डेड है जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। मतलब ये यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग खुलेगी या बंद होगी दैट इज गार्डेड बाय दिस स्फिंक्टर मसल। और ये जो पैसेज दिख रहा है दैट इज यूरेथ्रा, दैट इज यूरेथ्रा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी आप लेबलिंग देख रहे हो, ये इंफीरियर वेना कैवा, ये हमारे पास आर्टरीज, वेन्स, ये सब हम ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में पहले कवर कर चुके हैं। तो आप कह सकते हो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलावा ये जो आपको दिख रही है दीज आर ब्लड वेसल्स, दीज आर ब्लड वेसल्स, जो कि इम्प्योर ब्लड लेकर आ रही है और प्योर ब्लड लेकर जा रही है। किडनीज के ऊपर आप ये स्पेशल तरह का कैप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसको हम क्या बुलाते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। राइट किडनी के ऊपर राइट एड्रीनल ग्लैंड और लेफ्ट के ऊपर लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड्स हैं इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई रोल नहीं है, ये फंक्शन करते हैं, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका हमारा कंसर्न सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम से है जिसमें है किडनीज का पेयर, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और हमारे पास है यूरेथ्रा, राइट। तो देखते हैं कि किस तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम फंक्शन करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स किस किस तरह से, क्या स्ट्रक्चर है उनके। और आगे अब अगर हम किडनीज की बात करें तो जो मेन हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये तो पूरा सिस्टम हो गया ना, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो हमारी किडनीज ही है, किडनीज के अंदर ही ब्लड प्योरीफाई होता है। तो किडनीज हमारी किस तरीके से दिखती है, किडनीज हमारी इस तरह की होती है, मतलब बीन शेप्ड होती है और दे आर लोकेटेड जस्ट अबव द वेस्ट, वेस्ट के ऊपर होती है और हमारे अंदर पेयर ऑफ किडनी होता है, ठीक है। तो किडनी को अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे हम एक ड्रॉ भी कर लेते हैं, ठीक है।
तो किडनी को हम रफली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कोई ऐसा डिमार्केशन नहीं है, पर किडनीज को हम रफली आप कह सकते हो डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स में। ये जो आउटर पार्ट है, जैसे हम ये बना लेते हैं, तो जो ये आउटर पार्ट है इसको हम क्या बुलाते हैं, कॉर्टेक्स। जैसे कि आप फिगर में देख भी पा रहे हो, ये येलो पोर्शन, दिस इज कॉर्टेक्स, ठीक है। इसका जो अंदर वाला पोर्शन है, ये वाला एरिया, इसको हम क्या बुलाते हैं, मेडुला, दिस इज मेडुला। मेडुला के अंदर बहुत सारी वेसल्स मिलके इस तरह से पिरामिड्स बनाती हैं, मतलब वेसल्स इस तरीके से अरेंज्ड हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये दे आर कॉल्ड एज पिरामिड्स। तो मेडुला हैज पिरामिड्स इन इट। अब यहां से आप देख रहे हो ये सारी छोटी छोटी वेसल्स मिलकर एक बड़ी सी वेसल बना रहे हैं, ये जो ग्रीन सा आपको दिख रहा है, दिस टिब्यूल इज कॉल्ड एज यूरेटर। इस तरीके से ये जो सारे पिरामिड्स अपना सिक्रीशन जिसमें डाल रहे हैं वो क्या है, यूरेटर। जिस पॉइंट से यूरेटर अराइज हो रहा है उस पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं, हाइलम। मतलब ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट बेसिकली, जहां से ये यूरेटर अराइज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज हाइलम, ठीक है। इसके अलावा जो आपको ये वेसल्स दिख रही हैं, ये वेसल्स किडनी के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि ये किडनी के साथ एसोसिएटेड है इसलिए हम किडनीज के लिए जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज रीनल, ठीक है। तो आप देखिए ये रेड वाली है रीनल आर्टरी, जो कि इम्प्योर ब्लड ला रही है, मतलब वो ब्लड जिसको हमें प्योरीफाई करना है, ठीक है, और ब्लड इसमें प्योरीफाई हो रहा है। और जो वेसल लेकर जा रही है ये प्योर ब्लड, दैट इज रीनल वेन। तो ये जो रीनल वेन है ये प्योर ब्लड लेकर जा रही है किडनी में से। सो आई थिंक यू गॉट इट कि जो किडनी है वो किस तरीके की होती है। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे अंदर कोई भी ऑर्गन सिस्टम अगर होता है तो वो किससे बना होता है, ऑब्वियसली ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। ऑर्गन्स किससे बने होते हैं, टिश्यू से बने होते हैं, और टिश्यूज किससे बने होते हैं, सेल्स से बने होते हैं। तो ऐसे ही ये जो एक ऑर्गन सिस्टम हमारा, अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो उसके अंदर ऑर्गन आपने पढ़ा किडनी है जो मेन एक्सक्रीशन में काम कर रहा है, तो उसके अंदर टिश्यूज भी होंगे, और आप कह सकते हो कि किडनी के अंदर सेल्स भी होंगे, मतलब किडनी भी तो सेल से ही बनी है ना। तो जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, मतलब जो सेल है नेफ्रॉन का, स्मॉलेस्ट सेल है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो कौन है, नेफ्रॉन। तो जो किडनी का सेल है उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, जितने भी किडनी में सेल्स हैं वो सारे कौन से हैं, दे ऑल आर नेफ्रॉन्स। दैट मींस द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन किस तरीके से दिखता है, जैसे कि आपको फिगर दी गई है, कुछ कुछ स्नेक लाइक दिखता है, आपको फिगर में लग रहा होगा कि कुछ कुछ स्नेक लाइक है। तो ये फिगर आपको अच्छे से याद करनी है क्योंकि ये मोस्टली पेपर में पूछ ली जाती है। देखते हैं इस फिगर में क्या है, थोड़ा थोड़ा मैं साथ में ड्रॉ भी करती हूं ताकि आपको पता लगे इसको ड्रॉ किस तरीके से करना है। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ, यू कैन से अ यू शेप स्ट्रक्चर, इस तरीके से अ कप शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं, बोमेंस कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर बहुत सारी वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स अलग से, ठीक है। जैसे ये कैप्सूल हो गया, इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स हो गई। इन ब्लड वेसल्स को स्पेसिफिकली हम क्या बुलाते हैं, ग्लोमेरुलस। तो बोमेन कैप्सूल हो गया और ये ग्लोमेरुलस हो गया। इन दोनों को इकट्ठे, मतलब ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को इकट्ठे, एक नाम दिया जाता है मैलाफीजियन बॉडी। क्या बुलाते हैं हम इसको, मैलाफीजियन बॉडी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई जगह पे आप ये नाम देख सकते हो किसी किसी बुक्स में, तो आपको पता होना चाहिए मैलाफिजियन बॉडी इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट इज जस्ट अ बोमेन कैप्सूल इनक्लोजिंग अ ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब इससे एक टिब्यूल निकली और जो कि नीचे की तरफ जा रही है, इसको हम डबल कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जो टिब्यूल बोमेन कैप्सूल से निकल रही है और नीचे की तरफ जा रही है उसको हम बुलाते हैं पीसीटी। इसमें कुछ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ एक नाम है ये पीसीटी, जिसका फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल टिब्यूल। आप इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल भी बुला सकते हो, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल दैट इज पीसीटी, या सिर्फ प्रॉक्सिमल टिब्यूल भी बुला सकते हो। अब
इसका मतलब जो ये बोमेन कैप्सूल से वेसल निकल रही है और नीचे की तरफ जा रही है यहां तक, दिस इज पीसीटी। अब आप देख रहे हो इसी का एक्सटेंशन ऊपर की तरफ भी जा रहा है, जैसे कि इस फिगर में देखते हैं ये, दिस इज कॉल्ड एज डीसीटी। इसको हम क्या बुलाते हैं, डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। ठीक है, अब ये जो टिब्यूल है यहां से आप कह सकते हो इस तरीके से एक्सटेंड हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग टिब्यूल। तो इसका मतलब जो नेफ्रॉन है वो कुछ चीजों से बना है, दैट इज एक तो मैलाफिजियन बॉडी हो गई, बोमेन कैप्सूल इनक्लोजिंग अ ग्लोमेरुलस, फिर इससे जो टिब्यूल आ रही है दिस इज पीसीटी, जो ऊपर की तरफ असेंडिंग लिम्ब है दिस इज डीसीटी, और ये जो है दिस इज सीटी। तो ये सब एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो आपने लिम्ब देखा जो कि ये यू शेप्ड बन रहा है, मतलब एक पीसीटी का डिसेंडिंग लिम्ब और डीसीटी का असेंडिंग लिम्ब, मतलब नीचे जाता हुआ पीसीटी का लिम्ब और ऊपर उठता हुआ डीसीटी का लिम्ब, जो ये यू शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम बुलाते हैं लूप ऑफ हेनले या फिर हेनल्स लूप। इसका काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अभी हम देखेंगे आगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का, और जो ये वेसल आप देख रहे हो ये सारी वेसल इस तरीके से सराउंड करती है, पूरा लिपटा रहता है इस वेसल के साथ, मतलब वेसल्स जो है पूरा नेफ्रॉन को अच्छे से सराउंड करती है। इस फिगर में इसलिए नहीं दिखाया गया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, आपको डायग्राम और कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगे। तो ऐसे नेफ्रॉन बहुत सारे किडनीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये नेफ्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, मतलब इतना पार्ट नेफ्रॉन का किडनी के कॉर्टेक्स में होता है और ये जो लोअर पार्ट आप देख रहे हो ये किडनी के मेडुला में होता है। मतलब आप कह सकते हो मेलाफिजियन बॉडी कुछ पार्ट पीसीटी का कुछ पार्ट डीसीटी का, दैट इज इन कॉर्टेक्स, और जो हमारा ये हेनल्स लूप है ये वाला और कलेक्टिंग टिब्यूल है दैट इज इन मेडुला। सो आई थिंक यू गॉट इट, द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट इज नेफ्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना भी आना चाहिए, आपको इसकी लेबलिंग भी अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन होता किस तरीके से है। अब हमें सब कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम पता है, हमें किडनीज के बारे में पता है, हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पता है, तो हम देखते हैं कि हाउ यूरिन इज एक्चुअली फॉर्म्ड। तो जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेप्स। एक हमारे पास है फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीअब्सॉर्प्शन और तीसरा है कलेक्शन। ये थ्री स्टेप्स हैं जो कि नेफ्रॉन के अंदर ही हो रहे हैं, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर ही, उसी के ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रहे हैं, और इससे हमारे पास यूरिन फॉर्म होता है। तो अब आप स्ट्रक्चर तो जान ही चुके हैं, ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, हेनल्स लूप, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये सब आपको पता है। तो देखते हैं ये तीनों स्टेप्स में किस तरह से यूरिन फॉर्म होता है। पहला स्टेप है हमारे पास फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब आपको पता है ये जो ग्लोमेरुलस है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है। ठीक है, ब्लड में क्या होता है, ब्लड में आपको पता है यूजफुल चीजें भी होती हैं और कुछ नॉन यूजफुल मतलब वेस्ट भी प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, ग्लोमेरुलस में जो भी चीजें प्रेजेंट है चाहे यूजफुल चाहे नॉन यूजफुल वो बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाती है। अब आप सोचेंगे कि बोमेन कैप्सूल के अंदर कैसे आ सकती है, क्योंकि ग्लोमेरुलस एक अलग चीज है और बोमेन कैप्सूल की लाइनिंग एक अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था इस ये कोई कॉन्टिन्यू स्ट्रक्चर नहीं होता, इसके अंदर कुछ माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं इस तरीके से, जिनको हम बुलाते हैं फेनेस्ट्रा, और ये हमारे पास है ग्लोमेरुलस। तो इसके अंदर जो भी यूजफुल नॉन यूजफुल सब्सटेंस है वो इस पोर्स के थ्रू, ब्लड नहीं सिर्फ सब्सटेंसेस की बात कर रही हूं, वो ग्लोमेरुलस से किसमें आ जाता है, बोमेन्स कैप्सूल में। अब जब बोमेन कैप्सूल में ये फिल्ट्रेट आ गया, फिल्ट्रेट ही हुआ ना, कि फिल्टर होकर यूजफुल और नॉन यूजफुल चीजें उसके अंदर प्रेजेंट हो गई, अंदर आ गई बोमेन कैप्सूल में, वो पीसीटी से पास होते हुए, क्योंकि लिम्बी पीसीटी है सिर्फ बोमेन कैप्सूल की एक्सटेंशन, होते हुए कहां पे पहुंच जाता है, लूप ऑफ हेनले में। तो यहां तक के प्रोसेस को, यहां तक पहुंचने के प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, फिल्ट्रेशन। तो कैसे लिखेंगे हम, द ब्लड फ्लोज थ्रू द ग्लोमेरुलस अंडर ग्रेट प्रेशर विच इज बिकॉज इफ्रेंट आर्ट्रियोल इज नैरो।
क्योंकि जो ब्लड है ग्लोमेरुलस में वो काफी अच्छे प्रेशर से फ्लो कर रहा है, क्योंकि जो हमारे पास ग्लोमेरुलस है उसके अंदर जो सिक्रीशन लेके आ रही है दैट इज इफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, वेसल के बारे में. तो दिस इज जस्ट अ वेसल, आप कह सकते हो कि इस वेसल के अंदर नैरो होने करके प्रेशर काफी ज्यादा है. तो जो भी सब्सटेंसेस यूजफुल और नॉन यूजफुल है ब्लड के अंदर, दे गेट फिल्टर एंड दे एंटर फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू बोमेन कैप्सूल. हाउ? थ्रू पोर्स कॉल्ड फेनेस्ट्रा. राइट, अब देखते हैं आगे क्या होता है. फिल्ट्रेशन इतना ही होता है. तो इसको हम इस तरीके से सम अप कर सकते हैं फिल्ट्रेशन को, कि ये जो सब्सटेंसेस है वो बोमेन कैप्सूल से पीसीटी में आ गए और फाइनली हमारे पास लूप ऑफ हेनले के अंदर आ गए. तो ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल से पीसीटी, पीसीटी से लूप ऑफ हेनले, यहां से पास हुए, पीसीटी से होते हुए लूप ऑफ हेनले के अंदर पहुंच गए. दिस इज वॉट इज फिल्ट्रेशन. अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास रीअब्सॉर्प्शन. अब आपको पता है कि ये जो कैपिलरी है ये पूरा इस तरीके से सराउंड कर रही है ना. तो क्या होता है, जो चीजें यहाँ पे पहुंच गई हेनल्स लूप पे, अभी आपने पढ़ा ना यहाँ पे बहुत सी चीजें पहुंच गई, कुछ यूजफुल भी है और कुछ नॉन यूजफुल भी है. तो जो चीजें आपकी बॉडी में यूज हो सकती है, मतलब यूजफुल है आपकी बॉडी के लिए, वो वापस से यहां से कैपिलरी ब्लड के अंदर मूव कर जाती है, डिफ्यूज कर जाती है. ठीक है, और जो यहाँ पे बचता है वो क्या है, नॉन यूजफुल, मतलब वो क्या है, वेस्ट. ठीक है, इसी पार्ट में बाहर से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, तो वेस्ट ऑलरेडी है, वाटर बाहर से एब्जॉर्ब हो गया, वेस्ट और वाटर क्या बन गया, यूरिन. क्योंकि ये वेस्ट जो यहाँ के में रह जाता है वो मोस्टली कौन सा वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट. सो दिस इज हाउ द यूरिन इज फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड एज रीअब्सॉर्प्शन. रीअब्सॉर्प्शन इसलिए कहा गया है कि यूजफुल नॉन यूजफुल चीजें दोनों आ गई थी टिब्यूल में, लेकिन यूजफुल वापस से रीअब्सॉर्ब हो गई और पीछे जो रह गई वो क्या थी, सिर्फ नॉन यूजफुल. तो कैसे लिखोगे आप इसके अंदर, इसमें आप लिखोगे द सब्सटेंसेस दैट आर यूजफुल लाइक ग्लूकोज एक्सेट्रा विच कैन बी यूज बाय अ बॉडी इज पुट बैक इन टू द कैपिलरी ब्लड. द रिमेन दैट इज लेफ्ट इज रिगार्डेड एज वेस्ट. वॉटर एब्जॉर्प्शन ऑल्सो टेक प्लेस इन दिस रीजन दैट इज इन हेनल्स लूप, देन वेस्ट एंड वॉटर डज फॉर्म्स दी यूरिन. तो अब यूरिन बन चुका है लेकिन नेफ्रॉन के अंदर ही है, कहाँ पे, हेनल्स लूप में. तो दिस इज वॉट इज रीएब्जॉर्प्शन. अब क्या होता है, अब हमारे पास थर्ड स्टेप है दैट इज कलेक्शन. ये जो यूरिन यहाँ पे बन गया लूप ऑफ हेनले में, कैसे बना ये आपको पता है, फिल्ट्रेशन भी पता है आपको, रीअब्सॉर्प्शन भी पता है. ये यूरिन डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल से जाता हुआ कहाँ पे आ जाता है, कलेक्टिंग टिब्यूल में. तो ये सिर्फ एक नेफ्रॉन की कलेक्टिंग टिब्यूल्स में नहीं आता, कितने सारे नेफ्रॉन्स है किडनी में. तो सब नेफ्रॉन्स अपनी कलेक्टिंग टिब्यूल्स के अंदर आप कह सकते हो क्या लेकर आते हैं, यूरिन को. अब ये कलेक्टिंग टिब्यूल्स मिलकर बड़ी कलेक्टिंग टिब्यूल्स बनाती है जिनको आपने क्या नाम दिया था, रीनल पिरामिड्स. और ये सारी टिब्यूल्स अपना सिक्रीशन किसके अंदर डाल देती हैं, यूरेटर के अंदर. ये देखिए यहां से किडनी से यूरेटर में आ गया, यूरेटर से यूरिन कहाँ पहुंच गया, यूरिनरी ब्लैडर में. यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन टेम्परेली स्टोर्ड रहता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर एक्सक्रीट हो जाता है. तो समझ गए ना आप. तो कलेक्शन का मतलब है ये जो यूरिन है जो बन चुका है पासिस फ्रॉम डीसी टू सीटीज, छोटी सीटीज मिलकर बनाती है बिगर कलेक्टिंग टिब्यूल और फाइनली ये सिक्रीशन अपना डाल देती है रीनल पिरामिड्स के अंदर. यूरिन फ्रॉम रीनल पिरामिड्स गोज इन टू यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, देन वेयर यूरिन इज टेम्परली स्टोर्ड एंड देन एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरेथ्रा. सो दिस इज वॉट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन. आप कह सकते हो कि कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है और कैसे यूरिन पास होता है. दिस इज वॉट इज रीअब्सॉर्प्शन, दैट इज सॉरी, दिस इज वॉट इज फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड कलेक्शन. एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म करेंगे हम, द प्रोसेस ऑफ पासिंग यूरिन आउट फ्रॉम यूरेथ्रा इज कॉल्ड एज यूरिनेशन. इसको हम क्या बुलाते हैं, यूरिनेशन. इसको हम एक और टर्म दे सकते हैं, मिक्चुरेशन. यू मे गेट अ क्वेश्चन बाय द वर्ड मिक्चुरेशन दैट वॉट इज मिक्चुरेशन. सो इट हैज द सेम मीनिंग लाइक यूरिनेशन, दैट इज
द प्रोसेस ऑफ पासिंग यूरिन आउट फ्रॉम यूरेथ्रा इज यूरिनेशन। और इस आंसर के लास्ट में आप जरूर मेंशन करोगे हेनल स्नूप का फंक्शन, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इज टू कंसंट्रेट यूरिन। यूरिन में कितना वेस्ट रहेगा, कितना पानी रहेगा, वो सब कुछ कहां पे हो रहा है, हेनल स्लूप में हो रहा है। सो इट्स फंक्शन इज टू कंसंट्रेट यूरिन। फिगर तो आप फैमिलियर हो ही चुके हो, किडनीज भी आपको पता है, वेसल्स का फंक्शन भी आपको पता है, यूरेटर्स का भी पता है, ब्लैडर का भी पता है और यूरेथ्रा का भी पता है। सो दिस इज व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रीनल फेलियर। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो रीनल वर्ड है वो किडनी से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो रीनल फेलियर का मतलब है कि किसी कारण किडनी का फंक्शन नहीं कर पाना, मतलब किडनी फेल हो जाना, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, आप मान सकते हो कि ये फेटल है एक्चुअली, क्योंकि आप देखो कि कोई चीज आपके अंदर वेस्ट है और उसको आप रिमूव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि किडनीज ही तो होती हैं जो ब्लड को प्योरीफाई करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करती है, और किसी कारण वो फेलियर हो गया है उनका, वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज रीनल फेलियर। अब रीनल फेलियर होने के क्या कारण है, बहुत से हैं, उसमें दो मेन रीजंस है, या तो कोई एक्सीडेंट इंजरी या फिर कोई डिजीज, इनमें से किसी कारण से भी आप कह सकते हो कि किडनी अपना काम नहीं कर पा रही, ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर पा रही। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, दिस इज अ नॉर्मल किडनी जो अपना काम कर पा रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ डिसऑर्डर, तो यहाँ पे किडनी के अंदर कुछ इन्फेक्शन है, ठीक है। आप ये देखिए, ये जो फिगर है ये डैमेज्ड किडनी की फिगर है, ठीक है। तो आप खुद बताओ कि क्या आपको लगता है कि ये किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर कर पाएगी, ब्लड को प्योरीफाई कर पाएगी, नहीं। दीज आर डैमेज्ड किडनीज। किडनीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करना, और अगर किडनी सही से फंक्शन नहीं करेगी हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो इससे थ्रू हो जाते हैं। तो रीनल फेलियर एक आप कह सकते हो मेजर डिसऑर्डर है। देखते हैं कि जिनकी किडनी फेल होती है उनके लिए क्या ऑप्शंस बचती हैं। तो जिनका रीनल फेलियर होता है तो वो कैसे आप कह सकते हो कि प्रिवेंट कर सकते हैं इस चीज को, प्रिवेंशन तो नहीं, मतलब कैसे इस चीज को आप कह सकते हो कि मतलब जिनको ये रीनल फेलियर होता है वो किस तरीके से जीते हैं लोग, तो या तो ट्रांसप्लांटेशन होता है उनके अंदर। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, एक पर्सन है हेल्दी पर्सन जिसकी हेल्दी किडनी है वो दूसरे को डोनेट कर रहा है, तो मतलब एक आपके पास डोनर हो गया और ये आपके पास रेसिपिएंट हो गया, ठीक है। तो डोनर अपनी किडनी रेसिपिएंट को दे रहा है, लेकिन ये ट्रांसप्लांटेशन भी इतना आसान नहीं है, होता ऑपरेशन से है, वो हो जाता है, मतलब टेक्निक में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन डोनर का मिलना बहुत मुश्किल है। आप जानते हो कि पीछे इतने स्कैंडल्स हो चुके हैं किडनी के लिए कि अभी एक रूल बन चुका है कि हर कोई डोनर नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल पहले लोग क्या करते थे, जो लोअर क्लास के लोग होते थे वो पैसे अर्न करने के लिए अपनी किडनी बेच देते थे, पर अभी ये रूल बिल्कुल अभी मतलब ऐसा किडनी हम ले ही नहीं सकते हैं। किडनी लेने के लिए जिससे आप लो वो आपके ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। अब आप सोचो कोई हमारे ब्लड रिलेशन में होगा तो क्या हम उसे इजिली किडनी लेंगे, नहीं, क्योंकि अगर हम किडनी लेते हैं हम तो बच जाएंगे लेकिन कुछ ना कुछ उसको भी तो अफेक्ट होगा। तो ट्रांसप्लांटेशन भी इतना आसान नहीं है, डोनर का मिलना बहुत आसान नहीं होता, ठीक है। तो दूसरा क्या हम कर सकते हैं, पर्सन इज पुट ऑन आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी का मतलब है कि यहाँ पे जो किडनी का काम करेगी वो एक मशीन करेगी, मतलब जो किडनी हमारा ब्लड प्योरीफाई कर रही है वो काम मशीन के थ्रू होने वाला है, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल किडनी का नाम देते हैं, और इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं डायलिसिस, राइट। तो देखते हैं कि किस तरीके से ये डायलिसिस होता है, किस तरीके से ये आर्टिफिशियल किडनी फंक्शन करती है। देखिए यहां पे ये जो फिगर देख रहे हो इसमें ये जो पेशेंट है ये डायलिसिस पे है, मतलब इनका ब्लड प्योरीफाई हो रहा है, ठीक है। अब ये डायलिसिस होता कैसे है, तो डायलिसिस होने के लिए एक डायलाइजिंग मशीन का यूज होता है, जैसे कि हमने फिगर में भी देखा। इस मशीन के अंदर ये क्या है, ये एक चैम्बर है, मैं यहां लिख देती हूं, इस मशीन के अंदर ये क्या है, चैम्बर।
चैम्बर के अंदर आप देख पा रहे हो टिब्यूल्स है ना, ट्यूब्स बनी हुई है। बेसिकली हम इनको क्या बोल सकते हैं, ट्यूब्स। ये ट्यूब्स किस चीज की बनी हुई है, ये ट्यूब्स सेलुलोज की बनी हुई है। दीज ट्यूब्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज। इन ट्यूब्स के बीच में जहां भी ये जगह दिख रही है आपको, यहां पे क्या प्रेजेंट है, यहां पे एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायलाइजिंग सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर हर वो चीज है जो कि आप कह सकते हो कि ब्लड को प्योरीफाई कर सकती है, मतलब आप बेसिक लैंग्वेज में कह सकते हो कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है या कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट है जो ब्लड को हेल्दी बनाती है। ये ब्लड नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, डायलाइजिंग सॉल्यूशन ब्लड नहीं है। डायलाइजिंग सॉल्यूशन हैज दो सब्सटेंसेस विच कैन एक्चुअली मेक द ब्लड प्योर, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर ब्लड के अंदर चली जाए तो ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएंगे, एक सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो। अब पेशेंट जो है, पेशेंट की वेसल में से हम इम्प्योर ब्लड निकाल रहे हैं। ठीक है, ये वेसल जिसमें से हम इम्प्योर ब्लड निकाल रहे हैं वो कौन सी वेसल होती है, दैट इज रीनल आर्टरी। क्योंकि आपको पता है कि अदरवाइज तो हमने ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में पढ़ा है कि आर्टरी प्योर ब्लड के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन जो रीनल आर्टरी है दैट इज एसोसिएटेड विद इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो रीनल आर्टरी में से हम इम्प्योर ब्लड निकाल रहे हैं और इन ट्यूब्स में से ये ब्लड मूव कर रहा है। जब ये ट्यूब्स में से, इस चैम्बर के ट्यूब्स में से, सेलुलोज ट्यूब में से ये ब्लड मूव करेगा, तो ब्लड में जो इम्प्योर चीजें हैं वो ब्लड के अंदर ज्यादा हैं, डायलाइजिंग सॉल्यूशन में तो प्योर चीजें हैं, तो ये चीजें ब्लड से डायलाइजिंग सॉल्यूशन में आ जाएंगी। ठीक है, और डायलाइजिंग सॉल्यूशन से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं जो ब्लड को हेल्दी बना सकते हैं वो ब्लड के अंदर चले जाएंगे। तो मतलब कह सकते हो एक तरह का डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस होता है कि जो हार्मफुल चीज है वो इम्प्योर ब्लड में ज्यादा है, वो सॉल्यूशन में आ गया, और सॉल्यूशन में जो न्यूट्रिएंट्स हेल्दी चीजें हैं वो ब्लड के अंदर चली गई। तो ऐसा ब्लड इसके अंदर घूमता रहता है और इस तरीके से ये डिफ्यूजन होता है और ये ब्लड प्योरीफाई हो जाता है एट लास्ट। फिर उसको इस, आप देख रहे हो वेसल से, हम वेसल के अंदर डाल देते हैं पेशेंट की थ्रू दीज ट्यूब्स। ठीक है, और जिस वेसल के अंदर हम डालते हैं दैट इज रीनल वे, और कॉन्टिन्यूसली डायलाइजिंग सॉल्यूशन बदलता रहता है। आप देखो जो यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन है इसको हम ऐसे निकाल रहे हैं और फिर फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं, क्योंकि ब्लड का एक कॉन्टिन्यूस फ्लो चल रहा है तो हमें सॉल्यूशन को बार बार बदलना तो पड़ेगा ही ना, तभी चीजें डिफ्यूज कर पाएंगी। तो इस तरह से ये डायलिसिस होता है। लेकिन आप ये नहीं सोचो कि डायलिसिस पे जो पेशेंट है उनकी जिंदगी बहुत अच्छी बीतती है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। डायलिसिस आपकी लाइफ को कुछ टाइम के लिए, कुछ इयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकता है, आप पूरी जिंदगी डायलिसिस नहीं करा सकते हो, क्योंकि डायलिसिस में बहुत प्रिक किया जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे पेशेंट के प्रिक किया गया है, तभी यहां से आप ब्लड निकाल रहे हैं और डाल रहे हैं। तो ये जो प्रिकिंग है ये इतनी पेनफुल होती है, और आप कहते हो कि वेसल्स ऐसी हो जाती है कि वेसल्स मिलनी बंद हो जाती है कि कहाँ से प्रिक करें और कहाँ से ब्लड पास हो, इट इज वेरी पेनफुल। तो इससे लाइफ कुछ साल लंबी हो जाती है, पर ऐसा नहीं है कि भी आप कह लो कि ये जो डिजीज है वो क्योर हो जाती है, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज हमारी बॉडी के अंदर है और फंक्शन कर रही है नेचुरली, और जो चीज एक मशीन फंक्शन कर रही है, उसमें फर्क तो होगा ना, राइट? तो अगर आपको रीनल फेलियर आ जाता है तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, आप लिखोगे ब्लड फ्रॉम रीनल आर्टरी पासिस फ्रॉम सेलुलोज ट्यूब, देन इम्प्योर सब्सटेंसेस डिफ्यूज आउट इन टू द सोल्यूशन एंड प्योर सब्सटेंसेस डिफ्यूज इन टू द ब्लड फ्रॉम द सोल्यूशन, हेंस द ब्लड गेट्स प्योरिफाइड एंड इट इज पुट बैक इन टू द रीनल वेन ऑफ द पेशेंट। सो दिस इज हाउ द डायलिसिस टेक प्लेस। तो अगर हमें डिफाइन करना हो डायलिसिस को, हम लिख सकते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लार्जर वंस यूजिंग अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड इट इज कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस, मींस डायलिसिस ऑफ ब्लड। आपको मैं बता ही चुकी हूं कि इसके अंदर जो मशीन है उसमें सेलुलोज ट्यूब्स है और डायलाइजिंग सॉल्यूशन है जो चैम्बर के अंदर भरा हुआ है। तो जब ब्लड इन ट्यूब्यूल से ट्यूब से पास करेगा तो डिफ्यूजन हो जाएगी डायलाइजिंग सॉल्यूशन के सब्सटेंसेस के साथ और ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर इंपॉर्टेंट फिनोमिना, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। देखिए, जो आपने किडनीज के बारे में पढ़ा है तो जो किडनीज है उनके दो प्रायर आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पहला एक्सक्रीशन जिसको आप पढ़ चुके हो, और दूसरा
ऑस्मोरेगुलेशन जिसे हम पढ़ने वाले। सो अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनी इज ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मो वर्ड का मतलब है हमारे पास, ऑस्मो का मतलब है वॉटर एंड आयंस, रेगुलेशन का मतलब है इनके कंटेंट को रेगुलेट करना, ठीक है। तो दैट मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग वॉटर एंड आयनिक बैलेंस इन बॉडी। अब हम सबको पता है हमारी बॉडी में वॉटर भी है और हमारी बॉडी में आयंस भी है, तो उनका जो कंटेंट है, उनका जो बैलेंस है, उसको मेंटेन करने को हम क्या बुलाते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। अब देखते हैं किस तरीके से ये मेंटेन होता है। हमारे ब्लड के अंदर, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये ब्लड है, ब्लड के अंदर ये सेल्स हैं, इस फिगर में आपको आरबीसी दिखा रखा है। तो ऐसे ही ब्लड के अंदर कुछ स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स। क्या बुलाते हैं हम उनको, ऑस्मो रिसेप्टर्स। ये एक ऐसे स्पेशल तरह के सेल्स हैं जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट है एंड दे आर सेंसिटिव टू ऑल्ट्रेशन इन वॉटर कंटेंट। मतलब हमारी बॉडी के अंदर पानी कम या ज्यादा हो जाए, सेम फॉर आयंस ऑल्सो, कम या ज्यादा हो जाए तो ये सेल्स रिस्पॉन्सिबल है उस ऑल्ट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही कुछ ऑल्ट्रेशन होती है, मतलब नॉर्मल से वो ज्यादा अमाउंट होता है या कम अमाउंट होता है, ये ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और ये मैसेज भेजते हैं ब्रेन को। मैसेज के लिए एक टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं, इम्पल्स, ठीक है। तो कोई भी चीज हमारी बॉडी के अंदर कम या ज्यादा हो रही है नॉर्मल वैल्यू से, तो ऑब्वियसली उसको हमें कंट्रोल तो करना है ना, तो वो कौन करता है, जिसे वाटर और आयनिक बैलेंस के लिए ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये मैसेज भेजते हैं ब्रेन को कि वाटर और आयन बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है और हमें उसे मेंटेन करना है, ठीक है। फिर क्या होता है, ब्रेन एनालाइज करता है कि वाटर और आयनिक बैलेंस कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, और फिर अपना रिस्पॉन्स इंटरप्रेट करता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे, इम्पल्स सेंड करके, या हम कह सकते हैं मैसेज सेंड करके, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। जैसे कि आप देखिए, एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल भी होती है, टीचर्स भी होती है, हेल्पिंग स्टाफ भी होता है, पियोन भी होता है, लेकिन सबका अलग अलग काम है। प्रिंसिपल तो नहीं सब काम कर सकती ना, प्रिंसिपल ने ड्यूटीज दे रखी है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे ब्रेन, चाहे मेन कंट्रोलिंग सेंटर है, पर ब्रेन ने सब चीजों की ड्यूटीज बांट रखी है। तो ये जो वाटर और आयनिक बैलेंस का काम है मेंटेन करने का, ये ड्यूटी किसको दी गई है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो जैसे ही ब्रेन एनालाइज करता है कि ऑस्मो रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, मतलब वाटर और आयनिक बैलेंस नहीं मेंटेन्ड है, तो वो ये मैसेज पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड आप समझ लो कि मेन इंचार्ज है, उसने ये ड्यूटी किसको दे रखी है, एडीएच को। एडीएच क्या है, एक हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही सिक्रीट करता है। हार्मोन समझते हो ना आप, हार्मोन क्या होते हैं कि कुछ सिक्रीशंस होती है जो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के फंक्शंस करते हैं। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे ही एक हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट इज एडीएच। इसकी जो फुल फॉर्म है, दैट इज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन ब्लड के थ्रू पहुंचता है किडनी में, मतलब सारी बॉडी में घूमता है, पर फंक्शन कहाँ करता है, जहां पे इसका रोल होता है। तो ये जो वाटर और आयन बैलेंस को मेंटेन करने का रोल है, ये कहाँ पे होता है, किडनी में, नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले में। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था यूरिन फॉर्मेशन के टाइम कि यही वो पार्ट है जिसमें बाहर से पानी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो यही पार्ट पे एडीएच फंक्शन करता है और ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होने में हेल्प करता है। देखते हैं किस तरीके से। सपोज हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट हाई हो गया, मतलब जरूरत से ज्यादा पानी हो गया हमारी बॉडी में, तो एडीएच क्या करेगा, वैसे ही ब्लड के थ्रू किडनी में, नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले तक पहुंचेगा और लूप ऑफ हेनले को मोर परमिएबल करेगा वाटर के टूवर्ड्स। मतलब क्योंकि यही रीजन है जहां पे पानी ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकता है, तो अगर पानी हमारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा है तो हमें उसे निकालना है हमारी बॉडी से, और यूरिन भी एक जरिया है उसको निकालने का। तो इट विल मेक लूप ऑफ हेनले मोर परमिएबल टू वाटर, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी इसके अंदर जाए और यूरिन के साथ रिमूव हो जाए।
और ऐसे केस में जो यूरिन होगा वो क्या होगा, डाइल्यूट। अब ऐसे ही अगर हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट लो हो गया, मतलब जरूरत से कम हो गया हमारी बॉडी में पानी, तो हमें पानी ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी में रिटेन करना है, तो उस टाइम एडीएच क्या करता है, लूपोफेनले को लेस परमिएबल बनाता है वाटर के टूवर्ड्स, ताकि ये वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब ना कर पाए और ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी बॉडी में रिटेन रहे, सो दैट कि हमारी बॉडी में जो वाटर कम हो गया है वो चीज का लेवल बना रहे। और इस तरह से जो यूरिन होता है इस केस में वो कैसा होता है, कंसेंट्रेटेड, मतलब उसके अंदर पानी कम होता है, तो ये होता है प्रोसेस हमारा ऑस्मो रेगुलेशन। अब हमारे पास है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। जैसे कि एक्सक्रीशन हमारे अंदर होती है, वैसे प्लांट्स के अंदर भी कुछ वेस्ट होता है, तो प्लांट्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो क्या क्या है, O2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। प्रॉपर वाटर नहीं होता, वेपर की फॉर्म में होता है। O2 और CO2 जो है वो प्लांट के अंदर कैसे रिमूव होती है, इट इज रिमूव थ्रू स्टोमेटा। हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन चैप्टर में भी, रेस्पिरेशन में भी हमने पढ़ा था कि जो स्टोमेटा होता है इसमें ये गार्ड सेल्स होते हैं, ये बीच में क्या होता है, दिस इज पोर, ये पोर खुलता और बंद होता रहता है, जैसे कि ये देखो ओपन स्टोमेटा और ये क्लोज स्टोमेटा है। तो जब ये पोर ओपन होता है उस टाइम गैसेस का एक्सचेंज होता है, O2 और CO2 रिमूव होती रहती है, ठीक है। जैसे कि जब प्लांट फोटोसिंथेसाइज कर रहा है तो वो कौन सी गैस दे रहा है, O2, और जब प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है तो हमारी तरह वो कौन सी गैस रिमूव कर रहा है, CO2। और आपको पता ही है स्टोमेटा लीव्स के अंदर होते हैं पोर्स, ठीक है, तो इस तरह से ये रिमूवल होता है। दूसरा हमारे पास है वाटर, वाटर वेपर, वाटर वेपर। प्लांट्स में से अपने आप ही वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में निकलता रहता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, ट्रांसपीरेशन। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ट्रांसपोर्टेशन की वो स्लाइड्स दोबारा देखिए। अदरवाइज एक्सक्रीशन में हमें सिर्फ इतना जानना है, O2 और CO2 एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो स्टोमेटा के थ्रू रिमूव होते हैं, एंड वाटर वेपर इज रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। अदरवाइज काफी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट्स में, लीव्स में भी स्टोर होते हैं, बाग में भी स्टोर होते हैं, और जब लीव्स और बाग शेड होती हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट, यू कैन से द स्ट्रक्चर्स विच स्टोर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, दैट इज लाइक रैफिड्स। रैफिड्स एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हो, दी स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कई प्लांट्स, कई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह में स्टोर करते हैं, लाइक इन केस ऑफ याम। आप इस फिगर में देख पा रहे हो, आपको स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं छोटे छोटे, दीज आर रैफिड्स, दे एक्चुअली स्टोर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ याम। तो इस तरह से रैफिड्स हमें कई चीजों में दिखते हैं। थैंक यू, वी आर फिनिश विद एक्सक्रीशन चैप्टर। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब टू सक्सेस सीडीज एजुकेशन। थैंक यू।